Brother Thomas Paul, Sister Gan, Mata Pithavu, Yudhyo, Bicho, Sabko Jai Yeshu. आज के वचन में 34 का वचन हम और एक बार भी सुने। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकते हैं, मेरा तो पुरुष से संपर्क नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज अंबाले वचन में याकोब के पुस्तक अध्याय पहले और 19 में हम क्या सुना है? कितने लोगों के पास बाइबल है? इतना बाकी लोग अपने काम पर भी अभी घास काटने के लिए जाएंगे। आप इरा के बिना जाएंगे? हैं? कुआं में पानी निकालने के लिए जाएंगे, पब्लिक हुआ है तो आप बाल्टी और रस्सी के बिना जाएंगे? हैं? फिर आप लोग काहे के लिए इधर आया? कहीं के लिए आया? कुछ ले जाने के लिए आया? और गर्मी का सीजन है इसलिए तो रेस्ट के लिए आया होगा, है ना? है, मुझे ऐसे लग रहा है। हालेलुया। नहीं तो वजन सुनने के लिए आए लोगों के हाथ में क्या होगा? बाइबल होगा, वजन होगा। हालेलुया। वो नहीं तो एक आज फादर जी दूसरा कुछ बोलने के लिए आया, फिर भी आज ये शब्द आपको नहीं कहते तो वो बहुत बड़ा गलत हो जाते। आपको जिनके पास बाइबल है, आप लोग संधि योहन के सुवर्तमान अध्याय एक वाक्य एक थोड़ा पढ़ो। जिसके पास बाइबल है, संधि योहन के सुवर्तमान अध्याय एक वाक्य एक, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। हालेलुया। तो मेरे एक प्रश्न है, ये क्या है? हैं? ये क्या है? कोई भी कीमत वाला खड़ा होके बताइए, ये क्या है? कड़ा होना, एक शब्द, एक ही जन बोलना है। हालेलुया। एक अन क्या है? वो दीदी ने बताया, सब जन एक साथ बताओ। वो दीदी बताया वो बोलना, और उसके साथ रहते लोग जोर से बोलो, और उसके साथ सुना लोग और जोर से बोलो, ये सुना लोग ये साइड के लोग बोलो, इधर है नहीं सुना लोग पीछे देखने के लिए आए लोग जोर से बोलो, हाथ वर करके आप बोलो, आप अकेला बोल, पीछे सामने के लोग नहीं बोलना, पीछे के लोग अकेला जोर से बोलो, एक क्या है? ईश्वर है। हालेलुया। आप लोग ईश्वर के पास आते समय और ईश्वर के वचन सुनने के लिए आए समय आप ईश्वर को कहां रखा है? और आप लोग अपने बच्चों को इलाज करने के लिए दवाखाने के लिए जाएंगे, डॉक्टर के पास जाके किसको दे देंगे? किसको तपासनी करने के दे देंगे? बच्चों को पेट में बीमारी है, पेट दुखता है, आप लोग जाके कितना भी एक्टिंग करके वो डॉक्टर को दिखाएंगे, मेरा दो उम्र का बच्चा का पेट में बहुत दर्द देता है, वो कैसे रोता है, क्या क्या करते हैं, वो आपको आप वो डॉक्टर को दिखाएंगे, एक्टिंग करके दिखाएंगे, डॉक्टर को समझेंगे, डॉक्टर को आपका पेट में
टेलीस्कोप लगा के चेकिंग किया तो वो डॉक्टर को वो बच्चों को बीमारी का काई प्रॉब्लम समझेंगे उत्तर दे दो। कोई भी डॉक्टर दवाई दे सकते हैं, पूरा इलाज कर सकते हैं। किसको वो डॉक्टर इलाज करें, किसको टेस्ट चेकिंग करेंगे? अभी ये आप ये सत्य एक वचन ऐसे है, आपको सत्य नहीं मालूम, जब सत्य आपको सीख जाएंगे माल हो जाएंगे आप सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया। क्या है सत्य? ईश्वर। जब आप ईश्वर को समझेंगे आप ये सब कुछ बराबर करेंगे। हालेलुया। ये सच के बाद आप लोग ये वचन बोलता हूं, मैं मार्ग सत्य जीवन हूं। कौन है? कौन है? मैं मतलब ईश्वर मार्ग सत्य जीवन हूं। मतलब वो क्या है? हमने मार्ग सत्य जीवन क्या है? कौन है? क्या है? वचन है। आप लोग के जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, अपने दैनिक के जीवन में आप लोग बहुत समस्याओं में भटे हुए होगा, बहुत समस्या के साथ कितना साल से आप रहते होगा, ये समस्या के कारण आप लोग ऐसी एक ब्रदर ये डिवाइन वजन आश्रम में दूर से बाहर देश के आ रहे हैं, उनके साथ से बहुत से बहुत कृपा है, आशीष है, ये सुनते हुए आप लोग इधर आए हैं। हालेलुया। वो ब्रदर आपको इलाज करने के लिए मार्ग सत्य जीवन, आप लोग घर में आपने वजन देखता है, फिर भी ये वजन आपके साथ रहने के नाते, ये वजन आपके घर में रहने के बाद में भी, कई लोग ये वजन बढ़ने के बाद में भी अपने समस्याओं से, अपने दुख में, अपने क्लेश में, अपने परेशान में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये वजन के कृपा से पूरी होके बहुत कुछ कृपा अनुग्रह प्राप्त किए हुए, प्राप्त लेने वाला, वाटप करने वाला ये महान प्रसंद अपने थॉमस बोल के वजन सुनने के लिए आप आया है। पर ये वजन कहां आपको अनुभव नहीं लेते, वो वजन कहां है? वजन कहां है? कहां रखा है वो भी किसी को माल नहीं है। सच में झूठ नहीं बोलना। अब भी आप लोग को बोल सकते हैं आपने वजन, आप ये निमिष कहां है? जिन लोग बाइबल नहीं लाया सच में बोल सकने वाला कितना लोग है? मेरे बाइबल ऐसे उधरी है, हाथ भर करो। मेरे घर में बाइबल वो जगह पर है, बोल सकते उतना लोग? कितने लोग हाथ भर करो, देखने दो। सिर्फ एक ही जन। आप खड़ा होके बताइए कहां है? जहां प्रार्थना के लिए रखा है, ये डेली वास्ते वो रखता है वहां, है ना? आज उधरी है पक्का? आज वजन कोई नहीं लिया? आप खुद आज सुबह आया है? आज आप सुबह इधर आएगा, कल ये तीन दिनों से इधरी है जाके आया। सच में आपको बाइबल उधरी है? वो सच में वो दीदी बताया। आप किसी को और डाउट है आप पूछो, आप जहां बाइबल रखा है मैं बोल सकते हैं। आपको झूठ बोलने के तो कड़ा होकर बताओ। आपको बाइबल इधर ही है ऐसा आपको कीमत से बोल सकते हैं, तो आपको बाइबल कहां रखा मैं बोल सकते हैं। मैं ये बोलने के उद्देश्य कारण जिसको इनसे उसके अनुभव लेते हैं उनको ये चीज कहां पर भी आए तो भी
इनका और उसके अपने नाशक के संबंध हो गया बोलेंगे ना। और आपको जल्दी समझने के लिए मैं उदाहरण बोल सकते हैं, आपको बैठा और बेटी आपका ही पढ़ाई के लिए और नौकरी के लिए कहाँ पर भी भेजूंगा, आप भेजेंगे कई एक कंपनी में, वो कंपनी के लिए गाँव होगा, फिर भी वो कंपनी के काम के लिए और उधर रहने के छुट्टी के समय वो इधर उधर जाते रहेंगे, फिर भी वो कहाँ पर भी जाने दो आपको, वो बेटी कि वह बैठा कहाँ है आपको मालूम पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे। जे मम्मी पापा से डेली संबंध में रहते हैं उन लोगों को, वो मम्मी को पापा को बच्चा कहाँ पर भी जाते तो भी वो कहाँ है उसको मालूम पड़ता है, और कुछ आपत्ति विपत्ति उसको होने वाला है तो तुरंत वो पापा मम्मी को मालूम पड़ता है। सही में ना, वो पापा मम्मी के नहीं, जब जिसको इतना प्यार करते हैं उसमें इतना संबंध रहते हैं वो सभी की ओर से आपको ये सच की बात आपको समझ सकते हैं और फील कर सकते हैं। हालेलुया। वैसे इसलिए मैं बोला मेरे लिए मेरे जीवन में ये वजन के रूप में ईसा मसीह कितना स्थान मान दिया है, इसलिए ये दुनिया में कितना भी दूर रहते हुए आप लोग मुझे टेस्ट करने के लिए पूछो मेरा बाइबल अभी कहाँ है, मेरा बाइबल में क्या है, मेरा बाइबल से क्या हो रहा है, वो आप उससे तो मैं उत्तर दे सकते हैं। हालेलुया। कारण मेरे जीवन में ये वजन के रूप में उपस्थित ईसा मसीह के लिए रखा है, इसलिए उनके लिए जीवन लेता है। आज मेरे लिए कुछ घटना हो गया है, आप लोग सुना है, और वो घटना के अनुभव मेरे जीवन में मैं अनुभव थोड़ा तत्व लेते हुए आपको सामने खड़ा रहते तभी मैं विश्वास करता हूं मेरे ये वजन के रूप ईसा मसीह के लिए जीना और के तत्व के रेखे वो रेस्ट लेने का नहीं है, ये वजन के रूप ईसा मसीह को लिए मैं जीते तो ये वजन के रूप ईसा मसीह को मेरे सौख्य दे सकते हैं, और मेरे कितना भी मैं मर गया तो भी ये वजन के कृपा से मैं जीवंत हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। मतलब मेरे जीवन मेरे ये बाइबल के जीवन है, मैं इस विश्वास करता हूं ये बाइबल के जीवन जितना तक होगा वहां तक मेरे जीवन भी जिंदा होगा। हालेलुया। ये वचन में ऐसे लिखा है ये दुनिया में सब कुछ चेंज हो जाएंगे नाश हो जाएंगे फिर भी इसमें से और गांडी और उगांडी तक भी चेंज नहीं हो सकते है, ये अपने दुनिया के अंतिम तक, दुनिया के अंतिम तक, अंतिम तक जीवंत रहेंगे। हालेलुया। कारण कारण क्या है, कारण क्या है, और एक एडजेक्टिव और एक शब्द ऐड करने के लिए जोड़ देने के लिए मैं चाहता हूं, ये है पुनरुत्थित जीवंत क्रिस्तु, पुनरुत्थित जीवंत क्रिस्तु। कारण आज के वचन में अब सुना है ये मरियम माधा गर्भवती हो गया, ये पवित्र आत्मा के वचन के कृपा से है, पर ईसा मसीह ये शरीर अपने जैसे एक व्यक्ति रूपांतरण होने के पहले कहां था, वचन के रूप में था, पिता परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा के रूप में और शब्दों वचन के रूप में, वो वचन शरीर रूपांतरण हो गया। उसके बाद उन्होंने बताया जैसे उन्होंने पुनरुत्थित हो गया, कैसे पुनरुत्थित हो गया, वचन के रूप में। इसलिए इसलिए अपने शिष्य लोग वहां तक ईसा मसीह पुनरुत्थित नहीं हो गया तब तक उन्होंने कामराम में बंद करके उधर रहते थे, एक बार ईसा मसीह उन्होंने पुनरुत्थित हो गया वचन के रूप में, इसलिए वचन के शब्दों के द्वारा उनके बीच में आ गया है, दरवाजा पूरा बंद हो गया, दरवाजा पूरा बंद हो गया, उसके बीच में कैसे आया, उन्होंने आने के बाद उन्होंने शरीर धारण किया,
हालेलुया, शब्दों के द्वारा, हालेलुया, शब्दों के द्वारा। आज अपने बीच में ये ईसा मसीह को अपने नग्न नेत्र से और अपने हाथों द्वारा स्पर्श कर सकते दो रूप में अपने ईसा मसीह। अब भी जे 2026 वर्ष के पूर्वी अपने ईसा मसीह आपके और मेरे जैसे शरीर में जीवंत रहते तो आज वो ईसा मसीह अपने बीच में वजन के रूप में कि वह परम प्रसाद के रूप में दो प्रकार के अपने बीच में उपस्थित दिए। इसलिए ये वजन ब्रदर देना और मैं देना और आप लोग देना, आप लोग ये वजन के रूप में ईसा मसीह को किसी को दे दो, वो वजन उनको चंगाई करेंगे। कारण क्या है? ईसा मसीह है, आप देते ईसा मसीह है, आप देते ईसा मसीह है। इसलिए ये शिष्य लोग ये वजन के रूप में ईसा मसीह को स्वीकार किया, तब वो सुनने लोग सब पवित्र आत्मा से भर गया, वो पवित्र आत्मा से शक्ति प्राप्त हो गया और पवित्र आत्मा के कृपा से चंगाई चमककर नया नया पाशा बोलने शुरू किया, उनको जीवन का उलट किया, परिवर्तन किया। फिर पेत्रु एक भाई के सामने यीशु के नाम निकालने के लिए खबरने वाला वो पेत्रु हजार लोगों के सामने खड़ा होके ये आप लोग क्रूस में मारे हुए यीशु के नाम से वो यीशु के बारे में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं। कहां से शक्ति मिला? पुनरुत्थित वचन के रूप में ईसा मसीह उनके साथ था। इसलिए वो वचन सुनने सभी जन जो शरीर में जिंदा रहते समय उनके कार्य करते देखे, सभी परिसे लोग उनके डरते थे। इसलिए ये वचन के रूप में ईसा मसीह को दिए हुआ ये शिष्य लोगों को भी उन्होंने डरते थे। इसलिए बोला आप यीशु के नाम से कुछ नहीं बोलना, बाकी कुछ के नाम से बोलो, कुछ भी आप बोलना पढ़ाओ पर यीशु के नाम से कुछ नहीं बोलना। डर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रिय दोस्तों आप लोग ये तीन दिन का वचन आप सुना है, सच की सच जमीन तैयार किया जगह पर गिरे हुए बीज जैसे है। आप लोग जैसे आप अपने सादा जीवन छोड़ के वजन सुनने के लिए आने की आप निश्चय किया, तब से आपने अपने हृदय आप परिवर्तन किया है। जैसे उंगले को पोरगा वहां पश्चाताप किया, मेरे पापा के बारे में सोचा, पापा का प्यार के बारे में सोचा, तब से उनके कृपा पिता परमेश्वर से मिल गया है। इसलिए वो पापा जाके जल्दी से जल्दी उसको दोनों हाथ से पकड़ के पप्पी दिया, उन्होंने मर गया था अभी जीवंत है। सगेबू जब से उन्होंने ईसा मसीह को देखा, उन्होंने स्वीकार करने उत्तर दिया, तब से बोला आज ये घर को आशीर्वाद किया है, एक घर कृपाभूरित हो गया है। हालेलुया। ऐसे प्रिय दोस्तों आप अनुभव लिया नहीं लिया, विश्वास करो, विश्वास के साथ ये भी करो, आप लोगों को मिले हुए जीवन, आज मिले हुए कृपा आपके जिंदगी में आगे बढ़ाने के, तो ये वचन आप कहां पर भी कमरा में और कमरे में कहीं कबोर्ड में नहीं तो पेटी में और कहीं कपड़ा के अंदर रखने के लिए नहीं, आप लोग डेली यूज करने पढ़ने के लिए, पढ़ने आता नहीं है, कम से कम डेली ये वजन आप हाथ में ले लो और अपने शरीर में स्पर्श करके 10 मिनट रखो, इसमें से कृपा आशीष आपको आएंगे। हालेलुया। प्रकाश के ग्रंथ अध्याय 19:12 में क्या लिखा है सिस्टर जी, थोड़ा पढ़ो। कारण क्या है? लिखा है ये क्या है और भी, बार 19:13 जोर से पढ़ो और उधर से पढ़ो।
उसकी आंखें अग्नि की तरह धधकती है। हाँ, उसकी आंखें अग्नि के दर्ग धधकती है। हाँ, नहीं तो जलते हैं, जल रहे हैं। उसके सिर पर बहुत से मुकुट है। कहा उसके सिर में कहा है वो काटे के मुकुट है। उसके शरीर पर एक नाम अंकित है। हाँ, उसके नाम एक नाम अंकित है जिसके जिसे उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। उसके अतिरिक्त किसी को दूसरा को मालूम नहीं है। वह रक्त में डुबाया हुआ। हाँ, उन्होंने रक्त से डुबाया वस्त्र पहने हैं। और उसका नाम है ईश्वर का शब्द और पवित्र वचन। ये क्या है? ओ ईश्वर, ये पुनरुत्थित किए हुए ईश्वर है। इसलिए आप लोग पढ़ने आते नहीं आते तो भी आता नहीं उन लोग ये वचन अपने मेरे जिंदगी में ये अपने प्रेषितों के ग्रंथ में लिखा जैसे ये आकाश के आली प्रति की एक प्रति की रूप अपने मुक्ति के लिए अपने रक्षा के लिए अपने समस्या के लिए एक ही एक उत्तर एक क्या है? ईश्वर। वो ईश्वर को आप अपने शरीर अपने हाथ में लेके ये ईश्वर के लिए मेरा जिंदगी में समर्पण करता हूँ। ये ईश्वर के लिए मैं जिएंगे। ईश्वर मेरे सभी समस्याओं से सभी बीमारियों से सभी प्रकार की तकलीफों से मेरे मुक्त करेंगे। ये विश्वास के साथ जे लोग बाइबल अपने हाथों द्वारा लेते हुए अपने छाती में जे एकदम जोर से दर्द और रोते रहते वो बीमारी में रहते बच्चों को अपने छाती में कितना प्यार से आप दबा के उनके शांति के लिए उनकी अच्छाई के लिए आप हृदय दुर्ग पहाड़ के ही सामसी से प्रार्थना करेंगे और आशा करेंगे। वैसे अपने समस्याओं को आप मन में लाते हुए वो दुख वो संकट वो समस्या पूरा से प्रयाद करते हुए अपने छाती पर दबाए हुए वचन के रूप में इस सामसी को दिया तो मैं 100% विश्वास के साथ बोला हूं आप 3 दिन आए वो समस्या के लिए दुख करना ना पड़ेंगे। उसके पहले आपके समस्या आपके से दूर जाएंगे। हालेलुया। कारण ये ईसा मसीह मृत्यु से मरे हुए लोगों को भी जिंदा किए हुए ईसा मसीह हमारा ईसा मसीह। प्रिय मित्रों, आइए दोस्तों हम ये 3 वचन सुन के और आराम से कुछ इससे जाके और अभी अपने इच्छा से पहले के सही से जीने के लिए नहीं हम ये वचन पुनरुत्थित हुए हुए इस समस्या को आप पूर्ण रूप से लेने के लिए और अनुभव लेने के उसके मालूम होने के लिए जानकारी लेने के लिए आया है। ये आपके लिए सबसे बड़ा सुसमाचार ये वचन के रूप ईसा मसीह। ये एक पुस्तक नहीं है, पवित्र ग्रंथ नहीं है, सच के सच 2026 वर्ष के पूर्वी आपके जैसे और मेरे जैसे जीवन हो गया वो ईसा मसीह 2026 वर्ष के लिए आपके लिए और मेरे लिए ये दुनिया के पापों से दुनिया के लोगों को पुनरुद्ध करने के लिए और मुक्त करने के लिए उससे दंड से मोचन करने के लिए उन्होंने मृत्यु होके पुनरुद्ध होके आज भी अपने साथ है तो वो ईसा मसीह वचन में। इसलिए वो ईसा मसीह को वो 2026 वर्ष के पूर्वी जो लोग ईसा मसीह को अपने जीवन में लिया है और जो ईसा मसीह के पास गया है वो सभी को कुष्ठ रोगी है तो भी लंगड़ा है तो भी अंधा है तो मूंगा है तो भी मृत्यु से रहने लोग भी गया तो उन्होंने उनको पुनरुद्ध किया है और सुअवक्य दिया है कुष्ठ रोगियों को नीट किया है। आइए दोस्तों आप भी वो ईसा मसीह सच के सच अपने बीच में है अपने साथ में आज से ये वजन आपके साथ रहे और मरने तक आप जीते तो ये वजन के लिए रहो चलते प्रत्येक ये बड़ा बाइबल आपके साथ
आपको रेखे घूमने के लिए तब्दील हुआ है तो कम से कम सुबह सुबह एक वजन लेके अपने पॉकेट में रखे चलने सीखो और एक वजन अपने हाथ में पेना में लिखे चलने शुरू कर के देखो। आपने जिंदगी 3 महीने के पहले आपने पूरा से 100% परिवर्तन जो बांध हो जाएंगे। ऐसी एक नया जीवन जीने के लिए आपको ये समस्या कृपा आशीष आशीर्वाद है। सबको जय यीशु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हम सब आनंद और उत्साह के साथ प्रार्थना करें और बोले, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तू मार्ग सत्य और जीवन है, तू अपनी शक्ति से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अनंत जीवन की ओर ले चल। हम तुझसे विनय करते हैं, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तूने अपने क्रूस से मृत्यु द्वारा शाप के चिन्हों को महिमा का चिन्ह बनाया, यह कृपा दे कि हम अपने शरीर को बुरी वासनाओं को क्रूस पर चढ़ाए और आत्मसमर्पण में अनंत जीवन पाए। हम तुझसे विनय करते हैं, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तो भला गडेरिया है, ऐसी कृपा दे कि हमारे अधिकारी लोग अपने अधीन के लोगों को तेरे पुनरुत्थान के महिमा तक पहुँचाए। हम तुझसे विनय करते हैं, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तो गरीब और नम्र बना, हमारा नम्र निवेदन है कि गरीबी और बीमारी से पीड़ित लोगों को और सत्य के प्रति दुख भोगने वाले लोगों को तो अपने महत्वपूर्ण पुनरुत्थान का स्मरण दिलाकर उन्हें अपनी ज़िंदगी की दौड़ पूरी करने में और विश्वास को सुरक्षित रखने में मदद कर। हम तुझसे विनय करते हैं, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तो परमेश्वर के सामने हमारे लिए सनातन समर्पण है, ऐसी कृपा दे कि हम तेरे पवित्र बलिदान में भक्तिभाव से भागी होवे हम और पुनर्थित जीवन के दिव्य रहस्यों को हम योग्यता पूर्वक स्वीकार करें। हम तुझसे विनय करते हैं, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों पर समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान हम अत्यंत नम्रदास से विनय करते हैं, तू अपने अनुग्रह पूर्ण हमारे हाथों अपने दानों की वर्षा कर, अपने भक्तों की अपराधों की माफी और अपने चुने हुए पेड़ों के पापों के क्षमा प्रदान कर। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वधा।
पवित्र आत्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। ओ वारी मरियम ईसु माधा का स्मरण होवे वेली वेदी पर। यीशु पावन हे दीप मनाते संदो तो मसोगी याद हम करते विजय भक्तों शहीदों के साथ। मृद प्यारे सोत रहे इस आशा में प्रभु अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। वह दृश्य सृष्टि का करता है, एक ही प्रभु ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं, बस सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रसूत होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित और सारे कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्थान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रवेश अपने संधिधान करने के लिए आपको योग्य बना दें। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत्यु प्राधि श्रेष्ठ माँ धर्माध्यक्ष तथा धर्माध्यक्ष याजक तथा उपयाजक यह ब्रह्मचारिक युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहन तथा पुत्र पुत्री के लिए, धर्मिक तथा विश्वासी शासक और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान
हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्गराज में अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दें। भाइयों बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि ये बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रजुर प्रभावानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे भाभी और अपराधियों ने पर भी तूने कृपा पूर्व अपने मसीह के शरीर के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता के द्वारा आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आप लोगों को शांति। और आपको भी भाई और बहनों मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों पर लगाएं, मौन रहें और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहें। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा के सहजारिदा साथ हमारे रहे सदा। और लगाए अपने हृदय विचारों को प्रभु ईश्वर को चढ़ा रहे यह बलिदान। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे महिमा मैत्री आराधना सबके स्तुति के योगी है। सभी जीवों की कृतज्ञता के योगी है। सभी सृष्टियों की वंदना प्रशंसा के योगी है। तूने अपनी कृपा से जगह उसके निवासियों के रचा और नश्वर मनुष्य व वर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु सहस्र स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत और हम प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नियोपवन रूपी स्वर्गीय सेनाए तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र करो बिंब दिव्य दिव्य श्राविया जिस तेरे प्रभुत्व की वासना करते हैं। वे उंज स्वर से निरंतर स्तिगान करते हैं और एक दूसरे से पुकार पुकार कर काते हैं। शक्तिमान प्रभु पर
सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द ईश्वर है तेरे आत्म से उसकी हम वासना करते हैं, वो तेरे सदृश तेरे देते तेरे तत्व का प्रद्रोप है, तेरे बराबर होते हुए भी दास गर्व धारंग उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और अमरदास से संपन्न आत्मा के साथ न सिर्फ शरीर को अपना का पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्म और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा। उसने हमारे मुक्ति के स्मारक में यह रहस्य में प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे। आमीन। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुखों की स्मृति मना रहे जिस रात को भाग गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओ ये पूज्य पिता तेरी ओर आंगे उड़ाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है, ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद देवन सुधि भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह मेरा रक्त है जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है, ले लो और इसमें से तुम सब पियो। एकत्र हो जाओ किया करो जो मैंने किया है, पिता परमेश्वर मैं करता हूं तेरी सामने अपने साथ वजन के रूप में और रोटी के रूप में दोनों के रूप स्त्री सामसी अभी अपने सामने तेरी
दोस्त भी आराधना करें तेरी स्तुति अपने जीवन का सर्वस्व समर्पण करते हुए तू मेरा चैन अपने समस्या में बीमारी सर्वस्व अपने दुख संगड़ सब मसीह के शरणों में अर्पण करते हुए हे प्रभु तेरे आदेश हमें तेरे दुर्बल दिनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं तूने अमृत उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद हमारे लिए संभव है तेरी इसलिए जीवन में हमें सगवागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया तूने अमृतों का उद्धार किया अमृतों को जीवित किया हम पापियों को पवित्र किया हम अपराधियों को मोचित किया तूने हमारे बुद्धि को आलोकित किया शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपने प्रजकृपा से अलंकृत किया है तेरे सारे कृपा दानों तदानुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना सदे कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा आमीन मन ही मन प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाधीश रोम के संभूज पापा फ्रांसिस के लिए हमारे कलीसिया के श्रेष्ठ महाधर्माधीश रफी तटिल के लिए हमारे धर्माधीश प्रेम पूर्व धर्माधीश विजयानंद अन्य सभी धर्माधीशों के लिए पवित्र सार्वत्रिक कलीसिया के लिए याजकों शासकों और अधिकारियों के लिए सन्नबियों प्रेरितों साहिदों संतों के आदर के लिए तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिकों पवित्र पिताओं के लिए दुखी व्याकुल दरिद्रो दलित रोगी और पीड़ित सब लोगों के लिए तेरे नाम से विधालक सुधारे सब मृतकों के लिए तेरे कृपा की प्रतीक्षा करने वाले हम पत्तों के लिए और विशेष रूप से आज ये बलि वेदी पर मैं अर्पण करते ये पूजा बलि वेदी में उपस्थित होते हुए अपने आविष्कारों के लिए अपने समस्याओं के लिए हमारे भविष्य के लिए और उन्होंने उनके हाथ में सौंपे हुए लोगों के लिए जे प्रार्थना अर्पण करते वो सब प्रार्थना पूर्ण करने के लिए विशेष हे प्रभु मार्ग सत्य जीवन में हो वो उनको अर्थ समझते नहीं हुए वजन के रूप में ईसा मसीह उनके घर में रहने के बाद में भी वो वजन गुल के वो ईसा मसीह के मेरे समस्या का मेरा अर्चनी का मेरे दुख का मेरे नाश का मेरे संकट का मेरे बीमारी का उत्तर क्या है वो पूछने के लिए और समझने के लिए उनको कृपा नहीं रहती उनको अथाह शक्ति से उनको दिमाग को उनको बुद्धि को बंद किया वो सभी बंधनों से उनको मुक्त होने के लिए आज से उनके जीवन में हर दिन में
अपने घर में रहते वजन हाथ में लेते हुए अपने समस्याओं से, अपने दुखों से, अपने सांगड़ों से, अपने सभी सातान पैसा शक्तियों से मुक्त करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए उनको अपने पवित्र आत्मा का कृपा अनुग्रह प्राप्त होने के लिए, हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर, हे प्रभु तेरे शिशान सम हमें शुद्ध पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरे असीम एवं अवर्णनीय कृपा से इस मार कुमारी मरियंगा ओ तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन पर अपने सुख शांति प्रदान कर, सभी पुवासी एक जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्रों को इस पृथ्वी इस भेजा है और इस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदाय सुसमाचार द्वारा नबियों प्रेरितों शहीदों संतों धर्माचार्यों धर्माधीशों याजकों और उपयाजकों की तथा पावन स्नान संस्कार की जीवन और जीवनदाय चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग में सिखलाया। हे प्रभु हमें ऐसी हमें अभी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित है। परम्परा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग मृत्यु दबन और पुनरुत्थान की महान गंभीर पवित्र जीवनदाय और दिव्य रहस्यों के स्मरणोत्सव आनंद पूर्व मनाते हैं। हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्ति भाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वह तेरे पुत्रों की बिली पुरो भक्तों की सभी प्रार्थना पर विराजे और इससे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी पापों की क्षमा पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय जनों के साथ नया जीवन मिल जाए। तेरी शाश्वत पवित्र जीवनदाय नाम को वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते अब सदा और सर्वदा आमीन। हे ईश्वर तू दयालु है हम पर दया कर, तू दया सागर है मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु हमें तेरे आशीर्वाद तेरी उदा कृपा में महिमामय पवित्र जीवन दाय और दिव्य रहस्यों के समय पहुंचा देती है यद्यपि हम अयोग्य है। सामसी तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु तेरी सदा आराधना हो। ये जीवन तथा जीवनदाय रोटी स्वर्ग से उत्तर ग्राही है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाला नहीं मरते, इसको ग्रहण करने वाला मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवन रहते।
नायक रोगी की कृपा पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संसार हम सबको प्राप्त हो। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाएं, पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतकरण को मनमुटाव और कलश से शुद्ध करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोषों का प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रख सहे और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सदा सर्वदा राज तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं, हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्टों के साथियों से हमें बचा।